स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। दोस्तों, जब आप बिगिनर होते हो, आपको लिपस्टिक लगाने में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करने में या स्टिक लिपस्टिक अप्लाई करने में, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आप लोगों के लिए क्रेयॉन्स को अप्लाई करना। मेरे तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है NY Baker लिप क्रेयॉन्स कलर्स, और मैं आज आपको इसी का रिव्यू देने वाली हूँ। अगर आप क्रेयॉन्स ढूंढ रहे हो और आपको नहीं मिल रहा है कोई अच्छे शेड, या आपको यू नो कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो NY Baker लिप क्रेयॉन्स से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है आप लोगों के लिए। सबसे पहले आप इसकी पैकेजिंग ही देख सकते हो, कितनी क्यूट सी इसकी पैकेजिंग है, और इसमें इस तरीके का कैप दिया हुआ है ऊपर, और जब इसको ओपन करते हैं आप, तब आपको इसमें लिपस्टिक्स मिल जाती हैं। और आप देख ही चुके हो कि मैं कितनी बार इसको अप्लाई कर चुकी हूँ। ये मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है और इसका नाम है मेकअप कॉल। मैं आपको बारी बारी से सब अप्लाई करके भी दिखाने वाली हूँ। और इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये बहुत ज़्यादा यू नो टाइम तक टिकता है। अदरवाइज़ जो मैंने और भी पहले किसी और कंपनी के क्रेयॉन्स अप्लाई किए हैं, तो वो क्या टिकते नहीं है बहुत ज़्यादा देर तक, थोड़ी देर तक टिकते हैं, उसके बाद हट जाते हैं। और आप मेरी इस बात का ट्रस्ट करिएगा कि अगर आपने इसको लगा के आप ऑफिस, कॉलेज या कहीं भी चले गए ना, तो ये तब तक नहीं हटेगी जब तक आप इसको हटाएंगे नहीं। क्योंकि मैं तो इसको बहुत बार अप्लाई करती हूँ, इवन जब मैं बाहर घूमने भी जाती हूँ तब भी ये काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली है। आप आराम से इसको अपने पर्स में कैरी कर सकते हो, तो मैं ज़्यादातर इसको ही ले जाना पसंद करती हूँ। अच्छी बात इसकी है कि ये थोड़ा क्रीमी टेक्सचर में, बहुत ज़्यादा यू नो मैट फिनिश में नहीं है। अगर आप मैट फिनिश के क्रेयॉन्स नहीं ढूंढ रहे हो और आप क्रीमी टेक्सचर के क्रेयॉन्स ढूंढ रहे हो, तो इससे अच्छा ऑप्शन कोई नहीं हो सकता है। मैं आपको बारी बारी से दिखाती हूँ अपने लिप्स पर इसको अप्लाई करके। सेम कलर जो मैंने अप्लाई किया हुआ है, मेकअप कॉल 16 नंबर। अच्छा, एक बात और दोस्तों, इस शेड में या इस क्रेयॉन्स में ये खासियत है कि हाईली पिगमेंटेड है। एक बार अप्लाई करने में ही इनका कलर आपके लिप्स पर आ जाता है। और ये है मेरा दूसरा फेवरेट शेड, ये है रेड स्ट्राइक मी आउट 18। उसके बाद मुझे अपने लिप्स पर रेड कलर बहुत ज्यादा पसंद है, जो हल्का सा ऑरेंज टच में हो, तो ये मेरा बेस्ट फेवरेट कलर है। सेम ये कलर ढूंढ रहे हो जो रेड प्लस ऑरेंजिश हो, तो इससे अच्छा कलर कोई नहीं हो सकता है। आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे सबका लिंक दिया हुआ है। डिस्काउंट है, तो अगर आप डिस्काउंट में लेना चाहते हो तो आज का दिन बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो ये शेड है स्विंग लाइक मी, जिसका कि शेड नंबर है 8। ये भी पिंकिश टोन में है। पिंक कलर मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं ज़्यादातर पिंक कलर को अप्लाई करना पसंद करती हूँ। लाइट पिंक यानी कि बेबी पिंक कलर ढूंढ रहे हो, तो ये शेड नंबर है 23 स्पेशल कम बैक। मेरा ये बहुत फेवरेट है, मैं क्या बताऊँ, मुझे ना ये कलर्स, इनके सारे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं आपसे बार बार ये बोलती हूँ, ये मेरा फेवरेट है। ये शेड पार्टिंग विथ मैस्कॉट शेड नंबर 5, ये भी मेरा फेवरेट है। जब आपको यू नो लिप्स पर कुछ हल्का या न्यूट सा लगाने का मन हो, तो ये बेस्ट है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये शेड है स्काई हाई टू सेंटर फील 30। ये हल्का ब्राउनिश टोन में है। अगर आप ब्राउनिश कलर का कोई देख रहे हैं लिपस्टिक का कलर, तो ये बेस्ट है। मैंने इन सब क्रेयॉन्स के शेड्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं वीडियो में, आप प्लीज़ जाके चेक करिएगा। और सबसे अच्छी बात क्रेयॉन्स में ये कि कोई बच्चा भी इसको अप्लाई कर लेगा। और आप आज इसको चेक करें, लिंक सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट को बिल्कुल भी हाथ से ना जाने दें। और दोस्तों एक बात और, जब मैं बार बार स्वेचेस करती हूँ और एक लिपस्टिक के बाद बार बार आपको दूसरी लिपस्टिक को दिखाती हूँ आप लोगों के लिए, तो बहुत मेहनत लगती है इसमें, क्योंकि बार बार लिपस्टिक को हटाओ फिर दूसरी लिपस्टिक को लगाओ, थोड़ी मेहनत लग जाती है। तो आपको भी थोड़ी सी मेहनत करना है और लाइक का बटन ज़रूर दबाना है। मेरी मेहनत को इतना तो आप कर ही सकते हो ना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट।